काशी से इस वक्त बड़ी अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। काशी में मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और पीएम मोदी ने आज 6100 करोड़ की सौगातें दी हैं। अभी पीएम इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में कई अहम बातों का जिक्र किया। 6100 करोड़ की सौगातें दी, और यूपीए सरकार के वक्त जिस तरह से विकास इस पूरे इलाके का रुका रहा, उसका भी जिक्र करते हुए हमला भी बोला पूर्ववर्ती सरकारों पर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इससे पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र किया, आइए सुनते हैं। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में दशक में हुए हैं। आज बनारस में कैंसर के इलाज के लिए भी आधुनिक अस्पताल है। पहले जिन मरीजों को दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, आज वे यहीं अच्छा करा पा रहे हैं। आज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों से भी हजारों लोग यहां उपचार के लिए आते हैं। हमारी मोक्षदायिनी काशी अब नई ऊर्जा के साथ, नए संसाधनों के साथ नव जीवन दायिनी भी बन रही है। साथियों, पहले की सरकारों के समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को जमकर नजरअंदाज किया गया। हालत ये थी कि 10 साल पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार के इलाज के लिए ब्लॉक स्तर पर उपचार केंद्र तक नहीं थे। बच्चों की मृत्यु होती थी, मीडिया में हो हल्ला होता था, लेकिन पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में 10,000 से अधिक नए बेड जोड़े गए हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के गांवों में 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। 10 साल पहले पूर्वांचल के जिला अस्पतालों में डायलिसिस तक की सुविधा नहीं थी। आज 20 से अधिक डायलिसिस यूनिट्स का काम कर रही है, जहां मरीजों को यह सुविधा मुफ्त मिल रही है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत ने हेल्थ केयर के प्रति पुरानी सोच और अप्रोच को बदल दिया है। आज आरोग्य से जुड़ी भारत की रणनीति के 5 स्तंभ हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। साथियों, किसी भी व्यक्ति को बीमारी से बचाना भारत की स्वास्थ्य नीति की बड़ी प्राथमिकता है
स्वास्थ्य क्षेत्र का पहला स्तंभ है। बीमारी गरीब को और गरीब बनाती है। आप जानते हैं बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। एक गंभीर बीमारी इन्हें फिर से गरीबी के दलदल में धकेल सकती है। इसलिए बीमारी हो ही नहीं, इस पर सरकार बहुत जोर दे रही है। इसलिए हमारी सरकार साफ सफाई, योग, आयुर्वेद, पोषक खानपान, इन सारे विषयों पर खास ध्यान दे रही है। हम टीकाकरण अभियान को भी ज्यादा से ज्यादा घरों तक ले गए हैं।